टॉस सेशन विकेट कॉल जैकपॉट मैच एंड टीम 11 टीम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो सभी भाई, आपके लिए जरूरी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ट्यूजडे फरवरी 6, 2024 दुबई कैपिटल और गुलबर्गैंड्स का बहुत ही शानदार मैच होने वाला है, ठीक है। आप लोग ये वीडियो युवराज सिंह चैनल पर देख रहे हो तो आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर सभी अपडेट आपको मिलता रहता है। वेन्यू की बात करें तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई यूनाइटेड अरब इमीरेट्स में मैच आपको देखने को मिलने वाला है। तो एक बेनिफिट हो गया दुबई को कि ये अपने ही पिच में खेलने वाला है मैच को, ठीक है। बात करें पिच रिपोर्ट की तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पिच ऑफर इक्वल प्लेटफॉर्म फॉर बोथ एंड बैटर बॉलर, ठीक है। तो जो दुबई का प्लेटफॉर्म होने वाला है बैटर को भी इक्वल और बॉलर को भी इक्वल सपोर्ट करने वाला है, लेकिन जो सपोर्ट अच्छा कर रहा है फास्ट बॉलर इस पर इंजॉय करेंगे और स्पिनर बॉलर हल्का फेस चैलेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अपर बियॉन्ड लेकर चलना पड़ेगा और कौन सा टॉस विन करेगा क्या रहेगा वेन्यू में, तो ये सब आगे मैच की डिटेल हम लोग देख लेंगे। बात करें वेदर रिपोर्ट की तो 25 डिग्री सेल्सियस आप लोगों को टेम्परेचर देखने को मिलेगा कल के मैच में और 50% ह्यूमिडिटी होने वाली है। 8.3 किलोमीटर विंड स्पीड रहेगा। विजिबिलिटी की बात करें तो 10 किलोमीटर विजिबिलिटी होने वाली है। देयर आर नो चांस प्रिपरेशन ड्यूरिंग द गेम और कोई चांस नहीं बनता कि ये लोग ड्यूरिंग द गेम प्रिपरेशन कर सकते हैं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्कोर रिकॉर्ड की बात करें टोटल 94 मैचेस की बात करेंगे, बैटिंग फर्स्ट 43 मैचेस और बॉलिंग फर्स्ट ने 50 मैचेस चुन किया। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 141 रहा है, सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 125 रहा है। हाईएस्ट टोटल 212 पे 2 विकेट होने वाला, लोएस्ट टोटल की बात करें तो 55 पे 10 विकेट होने वाला है। आईएस श्रेष्ठ की बात करें तो 184 पे 8 विकेट है और वहीं देखें लोएस्ट डिफेंड का तो 98 पे 5 विकेट होने वाला है। अब इसमें ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो आपको जो दिखने वाला हाईएस्ट इसका 212 मतलब बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं देखने को मिलने वाला, वहीं लोएस्ट देखा जाए तो 55 रन जा चुका है, ठीक है। दुबई कैपिटल और गुलबर्गैंड्स की हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड की बात करें तो दुबई कैपिटल ने 0 मैच जोन किया है हेड टू हेड में और गुलबर्गैंड्स ने 1 मैच जोन किया है। तो यहाँ पे तो गुलबर्गैंड्स 1 मैच से आगे चलती हुई दिख रही है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि रिसेंट मैचेस में क्या कर रहे हैं तो उसको देखते हैं। रिसेंट मैचेस में दोनों टीम थोड़ा सा गड़बड़ खेल रहे हैं देखने को मिल रहा है। पहली मैच विन की फिर 2 लॉस कर ली है, फिर 1 विन की फिर 1 लॉस कर ली, मतलब टोटल 2 मैचेज विन किए, लेकिन ये लॉस किया फिर विन किया फिर 2 लॉस कर दिया फिर लास्ट वाला मैच अपना विन करके आ रहा है। तो दुबई कैपिटल भी 2 मैच विन करके आ रही है। प्लेइंग 11 टीम अपनी ये होने वाली है दुबई कैपिटल की और ये होने वाली है गुलबर्गैंड्स की। तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को फाइनल टीम मिल जाएगा प्लेयर की। तो डेविड वार्नर हो गए, आर गुरबाज हो गए, ठीक है, सिकंदर राजा हो गए और रोवन पोएल हो गए, राहुल चोरा हो गए और आरवी मेरवे होने वाले हैं। सबसे अब डेविड वार्नर को देखा जाए तो हर में कुछ ना कुछ रन बना के आते हुए दिख रहा है, वही आर गुरबाज भी कुछ ना कुछ रन बनाते हुए आ रहा है। अब सिकंदर राजा को देखा जाए तो इसमें सिकंदर राजा काफ़ी सही चल रहे हैं, 22 रन 1 विकेट, 47 रन 2 विकेट, 43 रन फिर 48 रन फिर 3 विकेट, इनका सभी मैच काफ़ी अच्छा गया हुआ दिख रहा है। वहीं देखा जाए इसका तो 21 रन 3 विकेट 3 विकेट 0 विकेट, तो उतना अच्छा नहीं प्लेयर है। यह है दुबई कैपिटल के की प्लेयर। गुलबर्गैंड्स के की प्लेयर की बात करें, देखो ये काफ़ी अच्छा रन क्रिस लायन काफ़ी अच्छा रन बना के आ रहा है, ठीक है, तो इनको लेकर चल सकते हो अपनी टीम में और इनको भी लेकर चल सकते हो सुवर्ण हैटवर को, ठीक है। और जैमी ओवरटोन भी काफ़ी सही कर रहे हैं, 25 रन 1 विकेट, 41 रन 1 विकेट और 3 विकेट इनका भी होने वाला है, 4 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। जोबन जुबैर भी काफ़ी अच्छे चलते हुए दिख रहे हैं। बेस्ट परफॉर्मर अब दुबई की बात करें तो डेविड वार्नर हो गए और आर गुरबाज, बेन डंग, सैम बिलिंग, सिकंदर राजा हो गए। सबसे अच्छा पॉइंट सिकंदर राजा का चल रहा है जो कि काफ़ी अच्छे मैच करके आ रहे हैं, तो इनका पॉइंट भी ठीक है, इनका क्रेडिट भी ठीक है, इनको लेकर चल सकते हो दुबई कैपिटल की तरफ से। गुलबर्गैंड्स के की प्लेयर की बात करें तो सबसे अच्छा जो पॉइंट होना है क्रिस लायन का हो गया, 348 हो गया, वहीं इनका क्रेडिट भी 8.5 हो गया। तो अगर आप गुलबर्गैंड्स की तरफ से जा रहे हो तो क्रिस लायन को लेकर चल सकते हो। अपने कैप्टन वॉइस कैप्टन की तो देखो डेविड वार्नर, आर गुरबाज, सिकंदर राजा, रोविन पोवेल, जेम्स विल्स, क्रिस लायन और जेमी ओवरटन होने वाले हैं। दुबई कैपिटल के 4 आपको दे दिए गए हैं और गुलबर्गैंड्स के 3 आपको दिए गए हैं। देखो अगर दुबई कैपिटल में जाना है, ठीक है, तो सबसे अच्छा पॉइंट सिकंदर राजा का चल रहा है, उसके बाद आर गुरबाज का चल रहा है, ठीक है। वहीं गुलबर्गैंड्स का देखें तो सबसे अच्छा पॉइंट जो चल रहा है क्रिस लायन का चल रहा है 348, ठीक है। और पॉइंट वाइज जाना चाहते हो तो इनको इनके साथ जा सकते तो इनके साथ जा सकते हो गुलबर्गैंड्स को, ठीक है। तो ये अपने कैप्टन वॉइस कैप्टन है, आप जिसे चुनना चाहो चुन सकते हो। उससे पहले माई ड्रीम इलेवन टीम देख लेते हैं। माई ड्रीम इलेवन टीम में तो हम दिया सिकंदर राजा के साथ वॉइस कैप्टन और ये सी लाइव के साथ कैप्टन, ठीक है। आप लोग उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन अगर बैटर में मेरे को अच्छा लगा तो मैं बैटर में सी लाइव को लेकर चला,
ऑलराउंडर में वाइस कैप्टन सिकंदर राजा के साथ चले गए हैं, ठीक है। विकेट कीपर अपने यस बिलिंग हो गए और आर गुरबाज अपने हो गए, ठीक है, विकेट कीपर में ही जे कॉज हो गए और बैटर में ही जे विंस हो गए, ठीक है। वहीं जे डेवरटॉन हो गए और बॉलर की बात करें तो डी चार्मिस हो गए, सी जॉर्डन हो गए और यस कुजिस हो गए, ठीक है। माई डेम इलेवन टीम में हो गया, ठीक है, तेरे मैच विनर और टॉस विनर की, तो मैच अपना विन करेगा दुबई कैपिटल और टॉस भी विन करेगा दुबई कैपिटल। लेकिन फाइनल कहाँ मिलेगी इसकी बात करते हैं। फाइनल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। युवराज सिंह आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे आप लोगों को फाइनल मिलेगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को शेयर कर दो, ठीक है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, वो अपडेट टीम होता है, सब कुछ अपडेटेड मिलता है, तो टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं शुरू, तब तक के लिए धन्यवाद।